का साइज है वो माउंट एवरेस्ट के साइज के बराबर है। एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 1998 OR2 ये 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा, और जब ये धरती के पास से गुजर रहा होगा तो हमारी धरती और इस एस्ट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस 40 लाख किलोमीटर होगा और इस एस्ट्रॉइड की स्पीड होगी 20,000 माइल्स पर आर, और ये इतने डिस्टेंस से गुजरेगा जो हमारे लिए बिल्कुल खतरे वाली बात नहीं है। और इस एस्ट्रॉइड का नासा वालों को 1998 में ही पता चल गया था। अब तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन आज से 60 साल बाद 2079 में ये एस्ट्रॉइड फिर हमारी धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन तब इस एस्ट्रॉइड का हमारी धरती से जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ 18 किलोमीटर होगा, जो कि बहुत कम है। तब ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अगर उस समय ये धरती से टकरा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो इस एस्ट्रॉइड का साइज है वो माउंट एवरेस्ट के साइज के बराबर है। जो लोग कोई अफवाह फैला रहे हैं कि यह 29 अप्रैल को हमारी धरती से टकरा जाएगा और धरती का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आई होप आपके मन में जो भी डर होगा या कोई भी बात होगी इससे रिलेटेड वो अब क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो है। प्लीज़ अगर आपको कुछ लगे, कुछ गलती हो इस वीडियो में, या आपको कोई और बात लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।